फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एट्थ चैप्टर ऑफ फिफ्थ क्लास। आपका एट्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे, विच इज़ रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर ऑफ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो इसमें एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को एक फुटप्रिंट मिलता है। फुटप्रिंट मीन्स एक पैर का निशान मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी डिस्कस करने से पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे। यस, फर्स्ट वर्ड इज अमेज्ड। अमेज्ड होता है वेरी सरप्राइज, मीन्स बहुत हैरान हो जाना। बोल्डर मीनिंग मोर कॉन्फिडेंट, करेज, साहस, इसका हिंदी में मीनिंग होगा साहस। चेज्ड होता है रन आफ्टर, चेज, पीछा करना, किसी का पीछा करना। कम्फर्टेड मीन्स कम्फर्टेबल, फील बेटर, रिलैक्स्ड फील करना। एग्जामाइन होता है डिस्कवर करना, स्टडी करने, किसी पे बड़े ही ध्यान से एग्जामाइन करना। एग्जामाइन मीन्स डिस्कवर करना, स्टडी करना। फुटप्रिंट मीन्स पैर का निशान। फ्रिक्वेंटली होता है कंटिन्यू, डूइंग समथिंग ऑफन। फ्राइटेंड होता है फियर, अफ्रेड, डर। इमेजिनेशन कल्पना होती है। माइंड में जब हम कुछ ना कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। इनहैबिटेड होता है अ प्लेस विद पीपल, इनहैबिटेड, एनिमल लिविंग देयर, मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं, निवास स्थान। इन्वेस्टिगेट, केयरफुली एग्जामाइन करना, इन्वेस्टिगेट करना, खोज करना, जांच करनी। मेन लैंड होता है मेन एरिया ऑफ लैंड ऑफ कंट्री, कंट्री का मेन पार्ट। मेज़र होता है नापना, साइज़ में नापना, फाइंड करना। मिस्टेकन, रॉन्ग, गलतियाँ। रियलाइज्ड होता है महसूस होना, बिकेम अवेयर, जैसे रियलाइज़ हो गया, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अवेयर हो गए हो। सेवेजेस होता है क्रूअल, वायलेंट पीपल, क्रूअल, जो क्रूअल निर्दयी लोग होते हैं। शोर मीन्स एक किनारा होता है, चाहे वो सी का शोर हो सकता है, ओशन का किनारा हो सकता है। एज, वांडर्ड होता है घूमना इधर उधर, वॉक स्लोली अराउंड अ प्लेस के, जगह के ऊपर इधर उधर टहलना। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। यस, रॉबिन्सन क्रूसो हूज शिप हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो जिसकी एक शिप थी, एक जहाज था जो तबाह हो गया था एक सी के द्वारा, एक समुंदर में तबाह हो गया था। हैज़ बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत अकेला था, बहुत अकेला है, काफ़ी सालों से अकेला है। वन डे, एक दिन, ही नोटिस्ड अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, एक मिट्टी में एक उसको पैर का निशान मिलता है। वो नोटिस करते हैं कि यहाँ एक पैर का निशान है। देखते हैं आगे। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड माय बोट, एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन इन द सैंड, मैं बहुत हैरान हो गया था एक पैर का निशान देखकर, एक मिट्टी में पैर का निशान देखकर बहुत हैरान हो गया था। आई स्टूड अमेज्ड, मैंने अभी बताया था हैरान होना, जैसे यहाँ पे ये रॉबिन्सन क्रूसो बहुत ही हैरान हो रहा है। वो वहाँ पे हैरान होकर खड़ा रहा और सुनता रहा। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग, मैंने ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना मुझे कुछ दिखाई दिया, ना मैं कुछ सुन पाया, ना देख पाया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं थोड़ा सा हाई प्लेस पे गया नीचे देखने के लिए, ऊपर गया। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं किनारे के ऊपर भी गया और नीचे भी आया। इट वॉज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, उस एक के अलावा कोई दूसरा फुटप्रिंट मैं नहीं ढूंढ पाया। आई वेंट टू इट अगेन, मैं इसके पास दोबारा गया उसको देखने के लिए। इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स टू फाइंड आउट इफ़ हैड बीन माई इमेजिनेशन, और मैं इसके पास दोबारा गया कोई और इसके अलावा फुटप्रिंट ढूंढने के लिए, और
टू फाइंड, और टू फाइंड आउट ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कहीं ये मेरी, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, कल्पना तो नहीं है, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैं गलत नहीं था, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुट प्रिंट ऑफ अ फुट, फुट टोज हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। यहाँ पे वो ये सोच रहा है, दोबारा देखने जाता है, फिर उसको एक फुटप्रिंट मिलता है, जैसे ये मैंने आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो एक फुटप्रिंट है, और वो बड़े ध्यान से इसको देख रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली एक फुटप्रिंट ही है, टो जो हमारा अंगूठा होता है, हील एड़ी होती है, एवरी पार्ट जो एक पैर में उंगलियाँ होती हैं, टो होता है, हील, हर एक पार्ट था। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर पाया हाउ इट केम देयर, ये कहाँ से आया है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहाँ पर काफ़ी देर रुका रहा सोचने के लिए और सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, ये बहुत और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया। कन्फ्यूज एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें, मोर और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, और अंत में मैं घर पे डरा हुआ वापस गया। आई रिटर्न्ड होम, मैं घर पे वापस गया, वेरी फ्राइटेंड, वेरी फ्राइटेंड होता है बहुत डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, दो तीन कदम चलने के बाद हर, मतलब मैं अपने पीछे देख रहा था, जब हम काफ़ी डरे हुए होते तो बार बार पीछे देखते हैं, दो तीन जो स्टेप्स हैं चलने के बाद मैं अपने पीछे देख रहा था कि कहीं कोई फुटप्रिंट और तो नहीं है। मिस्टेकिंग एवरी बुश और ट्री टू बी अ मैन, और मिस्टेकिंग गलती से मैं हर एक झाड़ी को, हर एक ट्री को एक मैन समझ रहा था। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमें अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, और हम डर के बार बार पीछे देख रहे होते हैं कि कहीं मेरे पीछे कोई है तो नहीं। तो ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो के साथ हो रहा था। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपने केव में आया, विच आई कॉल्ड माई कासल, जब जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे आया, आई रन इनसाइड इट, मैं अंदर गया, एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे मैं किसी चीज़ का पीछा कर रहा हूँ, जैसे अंदर कोई, हमें ये डाउट होता है कि कहीं मेरी केव में कोई छुप के तो नहीं बैठा, जब ऐसे तरीके से जाना। आई रीड अगेन, आई रन इनसाइड, मैं अंदर भागा, एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, आई वॉज बींग चेस्ड, मतलब कि इतनी तेज़ी से अंदर भागा जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा था, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज लेडर और वेंट इन माई बाई होल इन द रॉक, और उसको याद भी नहीं है कि उसने अपनी गुफा में जाने के लिए एक लेडर का यूज़ किया है कि नहीं, या फिर वो हॉल में इन पत्थरों के द्वारा चला गया, एक गुफा में एक अंदर जाने के लिए होल बना हुआ था वो उसके द्वारा चला गया, उसको इतना डरा हुआ था, उसको तो ये याद भी नहीं है कि वो एक चढ़ने के लिए उसने लेडर का यूज़ किया। लेडर एक पौड़ी होती है जो उसने अपनी केव बनाई है, थोड़ी हाई प्लेस पे बनाई होगी, जहाँ जिसके अंदर जाने के लिए एक लेडर का यूज़ करना पड़ता होगा, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लेडर यूज़ की है या मैं पत्थरों के द्वारा ही चढ़ गया। विच आई कॉल्ड डोर, जिसको डोर बोलता था, ठीक है, गुफा का डोर बोला जाता था होल को। आई रेन फॉर कवर, मैं अपने आप को भागा, अपने आप को कवर करने के लिए, इतना अपने आप को बचाने के लिए भागा, फास्टर देन एन एनिमल कुड रन, कि मतलब एक एनिमल से भी ज़्यादा तेज़ भागा, इतना फास्ट भागा, देन एनिमल कुड रन। नेक्स्ट इज आई डोंट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सोया। द मोर आई थाट अबाउट वट आई सी, जितना ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या देखा था, द मोर अफ्रेड आई बिकम, यही मुझे बहुत ज़्यादा डराता है, मतलब उतना ही मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, जितना मैं सोचता जाता हूँ उतना ज़्यादा उसको डर लगता है। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वांडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। सैवेजेस, मैंने आपको बताया था कि क्रूअल पीपल होते हैं, जैसे
क्रूअल, जैसे वो शिकार करते हैं, मांस वगैरह खाते हैं मारकर, तो क्रूअल लोग होते हैं। वो ये सोच रहा है कि आई थॉट उसने सोचा इट कुड बी वन, ये सैवेजेस होते हैं जो मेन लैंड से आए हैं, हु वॉन्डर्ड, जो घूम रहे थे आउट ऑफ द सी, समुंदर के बाहर घूम रहे थे इन अ स्मॉल बोट, अपनी छोटी सी बोट में। नेक्स्ट इज लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। लकीली मतलब मैं लकी हूँ, भाग्य से मैं उस शोर पे, उस किनारे पे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या होगा, अगर उन्होंने मेरी बोट ले देख ली वहाँ पे समुंदर पर, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सीन रिटर्न विद अदर टू किल मी एंड ईट मी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि कोई ना कोई इस आइलैंड पे रहता है, समवन लिव्ड ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पे कोई ना कोई रहता है, वुड सून, जल्दी ही वापस आएंगे दूसरों के साथ, विद अदर्स, औरों के साथ आएंगे, मुझे मार देंगे और मुझे खा जाएंगे, ईट मी। ये वो जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये सोच रहा है। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक वो ऐसे ही फियरफुल लेटा रहा, प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, प्रेड करता रहा गॉड से प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए प्रेयर करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट इन टू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे क्या होता है कि वो काफ़ी दिनों तक डरा रहता है और प्रेयर करता है गॉड से प्रोटेक्शन के लिए, और ऐसा करने से वो क्या होता है, इट वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगन स्टार्ट आउट टू इन्वेस्टिगेट, और वो क्या होता है, ऐसा करने से उसको कम्फर्ट फील होता है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसने इन्वेस्टिगेशन जो जाँच है किसका फुटप्रिंट था वो ये खोजने के लिए उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, बिगन गोइंग टू, बाहर चला गया वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट हालांकि मैं आगे जाता हूँ, जब मैं आगे गया आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रेक्वेंटली, मैंने अपने पीछे देखा, फ्रेक्वेंटली होता है बार बार पीछे देखना, मैं अभी भी अपने बार बार पीछे देखता हूँ, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। However, as I went about for 2 or 3 days, yes students, next is however as I went about for 2 or 3 days, saw nothing. I became a little bolder. बोल्डर होता है स्ट्रॉन्ग, बहादुर, साहसी। इसलिए मैं जब मैं इसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2-3 दिन जाता रहा, कुछ नहीं उसको मिला, सो नथिंग, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, और इसलिए मैं थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, साहसी हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर एंड अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर, और मैंने डिसाइड किया कि मैं किनारे पर दोबारा जाऊँगा, एग्जामाइन करूँगा, दोबारा से खोज करूँगा, जाँच करूँगा उस फुटप्रिंट की, मीन्स एक बार फिर उस पैर के निशान की जांच करूंगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ऑन फुटमार्क, और उसने डिसाइड किया कि मैं इस फुट, जो फुटप्रिंट था पहले से, उसके साथ मैं अपना पैर भी नाप कर देखूंगा, मेजर करके देखूंगा कहीं वो मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है। यस, एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के, पैर के निशान के क्लोज आया, नियर गया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माय फुटप्रिंट, मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा पैर नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट केम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, इस बीच के इस पार्ट पे काफ़ी लंबे समय से नहीं आया था। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट की साइड पर अपना पैर रखा, इट सीम्स लार्जर देन माई ऑन, मेरे फुटप्रिंट से काफ़ी लंबा था, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था। माई फियर रिटर्न्ड, और जो मेरा फियर था, मेरा डर था, वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा घर गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समथिंग समवन हेयर, यहाँ पे बिलीविंग, इस विश्वास के साथ कि कोई ना कोई यहाँ पे है, देयर वॉज समवन, कोई ना कोई तो यहाँ पर है। This island, the island was inhabited. Inhabited means
ये जो आइलैंड है ऐसा नहीं है कि इस पर कोई रहता नहीं, इस पर इनहैबिटेड इसलिए कहा गया, वो प्लेस होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, जिनका लोगों का निवास स्थान होता है। तो ये जो आइलैंड है वो इनहैबिटेड है, यहाँ भी लोग रहते हैं। एडेप्टिव फ्रॉम डैनियल डिफोज, रॉबिन्सन क्रूसो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स टू ऑल।